बैक टू नाजायज मोटेल। और जैसा तुम सबको याद होगा, पिछले कई दिनों से मैं अपने मोटेल को अपग्रेड कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ शॉप और अपने गैस स्टेशन को भी। तो मेरे पास इतना पैसा आने लग गया है कि मैं कोई भी अपग्रेडेशन थोड़ी देर रुक के पैसा कमा के कर सकता हूँ। तो आज के दिन मैं बनाने वाला हूँ एक धमाकेदार लग्जरियस रूम, पूरे मोटेल की लुक चेंज करने वाला हूँ और उसी के साथ साथ बहुत सारी अपग्रेडेशन करने वाला हूँ। सो लेट्स गो गेम में। ओके गाइस, मैं गेम में आ चुका हूँ और मेरी शॉप यहाँ पे चल रही है मस्त। अरे दीदी दुखी क्यों हो तुम, ये बताओ मेरे दीदी व्हाट हैपेंड। अरे कस्टमर ऑन द शॉप, फ्यूल और ऑफिस। फ्यूल पे तो ये लगी हुई है ना। हाँ लगी हुई है भाई, चलो ठीक है। और ये कहाँ लगा हुआ है भाई? अबे रीस्टॉकर भी लगा रखा था ना मैंने। हाँ इन सबको पेमेंट भी कर दिया था शायद इससे पिछले एपिसोड में। और अभी मेरे पास 1000 रुपए। कोई रूम खाली है क्या? मैं भूल गया था रूम खाली वाली है, एक बार देख लेता हूँ। ओके ये रूम खाली बट गंदा है ये रूम। और अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाने का इरादा है? जगह है कि नहीं यहाँ? जगह है तो सही, पता नहीं कहाँ जा रहा है यार। बाकी ओए ये रूम भी खाली नहीं, ये रूम खाली नहीं है। ये रूम खाली है क्या? ओके ये रूम अपने पास 2 डबल बेड्स खाली है। और ये ऐसे यहाँ क्यों रखा हुआ है? इसको मेरे को यहाँ रखने का था ना कोने में। ये यहाँ बढ़िया लग रहा है। ये शायद पूरा रूम हुआ नहीं था, मैंने वैसे ही दे दिया था। रूम तो हो गया था ना। हाँ ये पूरा रूम रेडी हो गया था, चलो साफ कर देता हूँ साथ ही साथ। और वो एक लेडीज भी खड़ी है वहाँ पे, उससे पूछ के आने का मेरे को, उसको क्या चाहिए उससे पूछना भूल गया मैं। यहाँ पे कचरा रखा हुआ है, ये कचरा रखा हुआ है, ये कचरा रखा हुआ है। अरे आ जाना भाई। अरे भाई अब देखो ये कचरा ही नहीं रहा, आ गया और सब ठीक है। चलो अभी मेरे को जाके अंदर एक बार अपने कस्टमर से बातचीत कराऊं जरा, मैं इसकी पेशेंस लेवल खत्म हो रही है भाई। क्या चाहिए तेरे को? 1 बेडरूम? अरे नहीं है 1 बेडरूम है ही नहीं मेरे को नहीं। फटाफट लेने पड़ेंगे सारे सामान और इनको धोने में डाल के आता हूँ। कोई तो बोल रहा है दिस इज टेकिंग टू लॉन्ग, रुक जाओ। आ रहा हूँ भाई आ रहा हूँ। क्यों? चलो इसमें क्या पड़ा हुआ है? अरे इसमें भी अरे ये देखना, ये धुले ही नहीं है इसमें कपड़े। शिट हो गई, रुक जाओ जोर से भागो फटाफट से और लेके आंदो। शॉप पे लोग खड़े, रुक जाओ शॉप वालों को देख लो पहले। फ्यूल पे तो ये देख रहा है ना भाई, देख ही रहा है। पता नहीं फ्यूल पे टाइम क्यों चल रहा है। दो लगा दी ना फ्यूल के, इस चक्कर से अब टाइम चलता है। टू लेट। अरे भाई गाली देके गई है, बताओ कोई बात है? गाली नहीं देके गई लेकिन बोल। कोई रोबोट बिक रहे अपने यहाँ पे, मैं भी ले जाऊंगा एक रोबोट। ये लेके गया, वो ये लेके गया, मस्त सही है। चलो मैं साफ सफाई कर देता हूँ थोड़ी बहुत। यार हर जगह साफ सफाई करनी पड़ेगी, अब मेरा धंधा इतना बड़ा हो गया कि काम चल नहीं सकता 2-4 नौकर लगाए बिना। चल हो गया तुम लोगों का, अभी मैं चलूँ यहाँ से, सामान और मंगवाने पड़ेंगे। एक रीस्टॉकर तो लगा हुआ है, रीस्टॉकर अपना काम बढ़िया से करते वो तो ही बढ़िया है। 2 बेडरूम होल्ड। अबे ये होल्ड भी नहीं कर पाएगी, वेट अ मिनट कर देता हूँ इसको। एक सेकंड रुक। बस आ रहा है, धुल के आ रहा है सामान, धुल के आ रहा है। अरे दिक्कत कर दी ना, दिक्कत वाली बात हो गई है। एक अबे पूरा बेड, अच्छा ये उठाओ ठीक है। और टावल कहाँ है? टावल और दो। अबे दोनों टावल गंदे कर दिए क्या? ये टावल साफ है, साफ ही होगा। चलो इधर से निकलो फटाफट, पर मशीन में डाल के आता हूँ, सारे धोने पे लगाता हूँ भाई। जल्दी धो ठीक है। क्या समझ में आ रही? अरे चालू मत कर इसको। अरे लो कपड़े ही नहीं आया इसके अंदर पूरे, चालू कर मशीन को। जब तक तू ये धो रहा है, जब तक मैं एक अगर रूम रेडी हो जाता है तो वो डबल बेडरूम दे दूंगा यार। डबल बेडरूम वाले वैसे भी बहुत टाइम में आते हैं। सिंगल बेडरूम भी दे दिया करेंगे अब से यार डबल बेडरूम। लेकिन अरे रुकने 2 मिनट, उसको आने दे ठीक है। हाँ लेकिन वो पैसा डबल के हिसाब से देते नहीं है फिर। गंदा तो वो एक ही करके जाते हैं, लेकिन पैसा भी तो देना चाहिए अपने को। पैसे से चाहिए, पैसा चाहिए बहुत जोर। लाओ ये टावल दे दो गंदी वाली। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या नहीं है। बेडशीट है यार, बेडशीट एक ही है मेरे पास। ब्लैंकेट भी एक ही है मेरे पास ठीक है। उसके बाद मेरे पास जो है टॉयलेट पेपर है, इसको यहाँ लगा देता हूँ। टॉयलेटरी में सारा सामान है, बट अरे इतना सारा सामान जमाऊं कैसे? टाइम लगता है भाई इतना सारा सामान जमाने में। टावल तो रख देता हूँ मैं, अबे गिर गया। टावल रख दिया है मैंने, अब टॉयलेटरी जमा दूं यार थोड़ी बहुत जल्दी। फिर मैं देख के आऊं। एक और मैडम आ रखी है, 1 2 3 4। यार हैंड सोप वगैरह तो एक ही रख दूं ना, वही बहुत है। रुक जाओ टॉयलेटरी में, चलो टूथपेस्ट रख देते हैं एक ठीक है। उसके बाद एक हैंड सोप ये वाला और रख देते हैं। सारे हैंड सोप रख दिए मैं, बोल रहा हूँ एक रखो। शैम्पू रख दो एक ठीक है। उसके बाद माउथ वॉश एक रख देते हैं ठीक है। ये हो गया। एक एयर फ्रेशनर रख रखी है, शेविंग क्रीम रख देते हैं। चलो भैया कमरा पूरा रेडी कर दिया, बस बेडशीट और ये सब नहीं रखी है। वो रखनी है, पता नहीं भाई वो कैसे मिलेगी। 1 बेडरूम चाहिए, वेट अ मिनट तीसरे को आने दो। जब तक मैं यहाँ देख लूँ बेडशीट वगैरह फालतू पड़ी हो तो वो बिछा दूंगा। ओके एक ही पड़ी है। ओ लेट्स गो काम हो गया। भाई ये रूम नहीं था, हट जाओ। इस रूम के अंदर बिछानी है, वो डबल बेडरूम वाला दे दूंगा मैं। इसको यहाँ रख, इसको बिछा। हो गया ये रूम रेडी, डन। कौन सा रूम नंबर है? सेकंड रूम नंबर है। चलो डबल बेडरूम रेडी हो गया है, सेकंड रूम नंबर वाला ये, इसको रखो यहाँ पे। हाँ दीदी आपको क्या चाहिए? 2 बेडरूम चाहिए, टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। चलो दीदी थैंक यू बहुत, आप आ गया हो सर, आ गया हो थोड़े से। अरे सर नहीं है, दीदी है। हाँ दीदी आप बताओ। 1 बेडरूम चाहिए, रुक जा होल्ड ऑन, मैं देखा हूँ जरा। और एक और रूम खाली था ना, डबल बेडरूम खाली था वैसे तो वो, तो इसको साफ सफाई करनी पड़ेगी। अभी साफ सफाई हुई नहीं है, इसको साफ सफाई कर देता हूँ भाई। 500 रुपए देके गई है वो औरत, देख रहे हो तो, जिसने डबल बेडरूम लिया अभी फिलहाल। ये देने नहीं वाला भाई, मैं सिंगल वाले को नहीं दूंगा। अगर इसके बाद भी सिंगल बेडरूम मांगने आता है ना तो दोनों को मिला के दे दूंगा। दोनों को बोलूंगा सालो कॉम्प्रोमाइज कर लो, मस्त एकदम दोस्त बन जाएगी। ट्रैफिक कितना हो गया यहाँ पे। अरे भगो सालो, भगो यहाँ से, भगो जल्दी आओ। दुनिया भर का ट्रैफिक है, आवाज अलग कर रहे हैं। दोस्ती बना रखी, दोस्त
रखें एक दूसरे के। मेरे को यहाँ का सामान भी मंगाना, वैसे तो मैंने मंगा लिया था, ये जो जमा पड़ा ना इतना सारा सामान तो बहुत सारा मंगाया था, हेड वगैरह बिक्री की नहीं बिक्री, ये भी बिकनी चाहिए। और यहाँ का कोई सामान नहीं है, फ्रीजर का सामान है, इतना बड़ा फ्रीजर मंगा रखा है, इसके अंदर जमा के जाता है वो पागल आदमी। बाकी वेंडिंग मशीन में कुछ नहीं, मुझे ही जमाने पड़ेंगे। फालतू काम करते हैं तो रीस्टॉकर, बढ़िया काम लग नहीं रहा इन लोगों का मेरे को रीस्टॉकर। चलो भाई जल्दी जल्दी इनसे 35-35 रुपए के सामान खरीदवा रहा हूँ, देख लो 36 रुपए का सामान, ऐसे थोड़ी है। लो भाई मेरे पास हो गए टोटल, ये लास्ट कस्टमर बचा है अपने यहाँ पे, और इससे मिले मेरे को 39 रुपीज। ठीक है अब ये थोड़ा कूड़ा कचरा बाहर वाला साफ कर दूं, लाओ ये दे दो। आप भी आओगी दीदी अंदर कचरे में? अरे बताओ दीदी अभी एलिगेशंस लगा देंगे मेरे को। हाँ भाई अभी मुझे बता रीस्टॉक कर क्या क्या बचा यार, सामान तो खूब रखा है, दो चार जने लगाऊं क्या रीस्टॉक करने के लिए? देखना कितनी सारी हैट है, कितनी यार। रुक जा। फ्यूल वाले को तो ठीक है, लगे रहने दो फ्यूल वाले पे, लगकर रहा ना फ्यूल वाला भी काम अपना कर तो रहा है, फ्यूल वाला भी बढ़िया काम कर रहा है अपना। मैं चलता हूँ फटाफट से और जाके इसको पहले मना करते हैं, क्योंकि मेरे भाई चादर धुली हुई नहीं है अभी, सॉरी दिस इज टू भैज नहीं भैज। हाँ और तीन रूम मेरे खोल रखे ना मैंने, दो रूम इससे पिछली बार खोले थे जो कि अभी रेडी नहीं है, करेंगे रेडी। मैनेजमेंट में चलते हैं पहले, स्टाफ में चलते हैं, और ये रेस्ट कर रही है, बाकी दो जने काम पे लगे हैं। ठीक है तू रेस्ट मत कर, तू पहले तो पेमेंट ले ले 300, इसके बाद अब तू चल जा वेयर हाउस में, वेयर हाउस का काम करता। दो जने वेयर हाउस में लगा दिए मैंने, देख रहे लो फ्यूल। ओके फ्यूल भी मंगाना पड़ेगा मेरे को, फ्यूल में चलो। और ये 700 रुपए का मैंने फ्यूल ऑर्डर कर दिया, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए बचे हैं। जल्दी चलो, अरे हट जाओ 2 सेकंड। अरे फ्यूल कितना बच रहा है भाई, फ्यूल कितना बच रहा है, 28 बच रहा है यार। इन दोनों के भर दे उतने में फ्यूल आ जाएगा। मैं देखूं जरा कहां तक पहुंची फ्यूल की टंकी। ओ आ गई। आन दो। चलने दो। चलो। वे तू सड़े, ऐसा मार खाओगे, ऐसा मार खाओ। जाओ। अरे पागल वागल हो क्या थोड़े से? आजा भाई आजा, मैं निकलवाऊं क्या? आजा, कहाँ जाना चाह रहा है? आगे देख कैसे? ओ आ गया। चलो ठीक है अब इनका काम हो जाएगा, मैं चलता हूँ इधर की साइड। और दिन भी हो गया भाई, दिन के 8 बज गए। यहाँ पर रीस्टॉकर काम कर रहा, क्या कर रहा? चोरी करेगा। अच्छा खरीद रहा है, खरीदने दो। और यहाँ पे सामान जमा रहा है रीस्टॉकर, और ये भी सामान जमा रही है। नाइस हो गया भाई, नाइस। जल्दी से चलो। हाँ भाई सर आपको क्या? ओ चेकआउट करने आ गया एक रूम, ये कौन सा है? रूम नंबर 1। लाओ रूम नंबर 1 और देखा हूँ जरा मैं। अब तक तो चद्दर वगैरह भी धुल गई होंगी। रूम नंबर 1 1 बेडरूम है। ठीक है ये भी बढ़िया है। लाओ टावल वावल दे दो। अभी चलते हैं फटाफट से वॉशिंग मशीन में इन कपड़ों को डालने, और जो कपड़े सही हो गए ना, मतलब जो साफ हो गए कपड़े, उनको निकालते हैं वॉशिंग मशीन से। लाओ। दो भाई सारे कपड़े दे दो, और इनको अभी यहाँ रख देता हूँ सब कपड़ों को। अरे गंदे हो जाते होंगे, मैं ऐसे बेकदर तरीके से फेंक देता हूँ मैं। ले भाई इसके अंदर डाल सारे कपड़े। ठीक है एक ही और बच रहा है, इसको भी डाल दे। और थोड़ी कपड़े बच रहे गंदे यार, उधर की साइड रखे हुए थे बाहर, रुक जा मैं ले आता हूँ। एक बार में ज्यादा कपड़े धुल जाएंगे तो मजा सा आ जाएगा। और ये क्या अभी भागता हुआ कस्टमर इज किल्ड लॉस्ट। एक सेकंड, ये बकवास क्या थी? अभी मुझे लगा ही था ये भागता हुआ कहाँ जाए, लेकिन ये है कौन? तू साले रुक, कौन है तू? अबे चोर, ये हुआ क्या? अबे दो कस्टमर मार दिए उसने, अबे क्यों? लेकिन बैरल दो कोई आता होगा, पुलिस आ रही है, पुलिस। क्यों होगा लेकिन? कस्टमर मार दी भाई उसने मेरे। इसको इसमें डालो ये। अरे एक में एक तो एक ही आता है। अरे फिक मत, अरे इधर रखो जल्दी चल। दो बैरल ला सकता था एक बार में मैं, दो क्यों? तीन जने मार दी मैंने। कस्टमर भी लगे हुए, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा लोगों को। भगवान की आत्मा को शांति दे, ये मरे क्यों है? लेकिन मुझे तो यही समझ नहीं आ रहे हैं भाई, तो मारे ऐसी कौन सी खुन्नस्ती का वो छुप के? ओ दोनों लड़के छुप के रह रही थी, समझ गया भाई मैं। चलो तीन ही उठा लिए, दो ही उठा लिए बैरल। अब सबको ठिकाने लगाऊं फटाफट। वो सही मंगा लिए यार बैरल, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। ये क्या पागलपंती कर दी इन लोगों ने? मेरी देखते दो जने टपका दिए। लेकिन यार मैं पढ़ना भी भूल गया ढंग से, क्यों टपका है? उस पे लिखा हुआ था शायद कस्टमर हैज बीन किल्ड ड्यू टू पता नहीं, अब ड्यू टू क्यों थोड़ा चोर इसको अलग एसिड में जलाऊंगा। ओके एक और रूम खाली हो गया मेरा, सारे रूम खाली हो गए, और ये तो मर के खाली हो गए रूम। ये भी ठीक है भाई, इसने मार दिया लेकिन मेरे पैसे लगा दी ना, और इनका पैसा कटा तो गाइस ये तो मस्त चीज है रे। उसने मार दिया तो मेरा रूम तो खाली हो गया जल्दी। वो पता नहीं कितने दिन के लिए लेने बैठे थे रूम, मेरे रूम खाली हो गए, मार दिया मेरे कस्टमर को। वो दोबारा आते ना दोबारा नहीं आ पाएंगे। अरे यहाँ भी मेरे को लगाना पड़ेगा, एक जन लगाना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। बहुत लोग हो गए हैं, बहुत भीड़ भड़का मचाते हैं लोग, क्योंकि बस से उतर के आते हैं सारा खाने को। चल जल्दी जल्दी बिलिंग करो इन लोगों की। डायनासोर लेके जा रही, कहाँ लेके जाएगी डायनासोर? हेलो सर जल्दी जल्दी कर दो बिलिंग। ये काले ड्रेस में आता है ना मुझे डर लगता है। चलो भाई चलो हो गया, इन सब की बिलिंग हो गई है। ठीक है अब फटाफट से चलते हैं और ये साफ कर दो। कितना कचरा भाई, बस में नहीं है क्या तुम्हारे? बस में से कोई आवाज का ही क्या रही? ये इसका भी दे कचरा, और इसको उठाओ। ठीक है इसको पटको यहाँ पे, और ये कचरा भी दे। चल भाई साफ सफाई, चलो डन, सारा काम डन हो गया है। अभी कस्टमर्स आने लग जाएंगे, मेरी स्लीप पूरी नहीं हो पा रही है,
मैं क्या ही बताऊं। अरे इसको फेंको, कूड़ा फेंको जल्दी जल्दी, मुझे साफ सफाई करनी पड़ेगी। लावारा साफ कर दूंगा, सारे कमरे साफ कर दूंगा, उसमें खून के धब्बे होंगे। ओ शिट, वो जलेगी नहीं, राख होएगी नहीं। तुम लोग साड़ो, तुम बिको, तुमको बेच दूंगा मैं। ओए पुलिस वाले को नहीं बुलाना, बेच दिए। किसी ने नहीं देखी लाश, खून के धब्बे साफ करो वरना खून के धब्बे दिख जाएंगे। ये तो सही हो गया यार, उस चोर ने घुस के मार दिया, वरना मैं तो मार भी नहीं पाता है। ये जल्दी भगा दिया उस चोर ने। ला मैं साफ कर दूं, थोड़ी बेडशीट वगैरह कचरा हो रखा होगा। अरे मैं मशीन लगाना ही भूल गया हूँ, पुरानी वाली मशीन लगाने गया था, लेकिन मैंने सोचा और कपड़े लेके आता हूँ, कुत्ते में तो ये ट्रेजेडी कर दी। पागल से लोग हैं क्या, क्या करते हैं ये लोग। चल मशीन चला भाई जल्दी जल्दी, ठीक है। मैं एक और जना हायर करता हूँ उसको। अरे लेकिन हायर कर ही तो नहीं सकता, क्या चाहिए तेरे को? वन बेडरूम चाहिए? रुक जा, वेट अ मिनट भाई, ये वाला रूम पहले इसको दे देता हूँ, ठीक है। बेडशीट मेरे पास है, ये वाली बिछा दे, इसके बाद जो है ब्लैंकेट बिछा दे ये वाला, और यहाँ टॉयलेटरी तो रखी हुई है क्योंकि मार दिया था उस बंदे ने भाई। तो एक टॉयलेट पेपर होगा बस, हाँ टॉयलेट पेपर रखना है, टॉवल एक रखा हुआ है। चल भाई ले ये कमरा ले, कौन सा रूम नंबर है ये? रूम नंबर 1 है। तेरे को क्या चाहिए? अच्छा ये तू ले ले, होल्ड लो तू ले ले रूम नंबर 1। वो वैसे ज्यादा देर के लिए ले नहीं रहा था। ले भाई ले ये रूम लेके जा, टेक दिस रूम, ला पेमेंट दे दे। हाँ भाई तू आ गया, ये जरा एक वन बेडरूम। भाई कौन कौन आ रहा है, इतनी गाड़ी आने लग गई मेरे यहाँ पे, मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है। देखो सीधी बात, नो बकवास, बेडशीट के नाम पे ये वाली है, ठीक है। वो वाला रूम साफ हो सकता है, मतलब वो वाले रूम को अपन सही कर सकते हैं, इस वाले रूम को देख लेते हैं अपन, है ना। लाओ बेडशीट दो, एक ये दो, उसके बाद ब्लैंकेट्स, एक ये वाला चाहिए एंड एक ये वाला चाहिए। लाओ बाकी सब कुछ डन है, कचरा वचरा साफ कर दिया था मैंने यहाँ पे, कर दिया था। टॉयलेटरी रखी है क्या? टॉयलेटरी नहीं रखी हुई। टॉयलेटरी में एक रख देता हूँ मैं शैम्पू यहाँ, उसके बाद एक रख देता हूँ एयर फ्रेशनर, यहाँ पे बाहर रख देते हैं एयर फ्रेशनर, ठीक है। उसके बाद टॉयलेटरी में एक इनके टूथपेस्ट, और उसके बाद एक हैंड शैम्पू रख रखा है, शैम्पू रख दिया है, शेविंग क्रीम रख देता हूँ, और क्या रखना है, एयर फ्रेशनर 2 बस, चलो तो ये रखना होता, ज्यादा मुंह नहीं लगाता मैं लोगों। ले भाई टॉयलेट पेपर रख दूं, टॉयलेट पेपर भी रख दिया। टॉवल रखी हुई है? टॉवल नहीं रखी हुई। टॉवल कहाँ है? एक टॉवल दो मेरे को, ये वाली, इसको टांगो इस पे। अभी डन हो गया भाई ये कमरा भी। ये रूम नंबर कौन सा है? रूम नंबर 5 डन है भाई, रूम नंबर 5 बेच के आऊं। एक सेकंड, पहले बेचने से पहले मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, सारे लगे हुए काम पे। एक वेयर हाउस की जगह तुम एक काम करो, कैशियर बन जाओ, कैश रजिस्टर इसका, ठीक है। चलो काम हो गया अपना, अब तू बता क्या कह रहा है। वन बेडरूम चाहिए? वन बेडरूम नहीं है, चला लवाओ। दो बेडरूम वाले आओ कोई सा। अभी कर क्यों नहीं रहे, कैशियर बना तो दिया इसको। कुत्ते भौंक रहे हैं रात, क्या यहाँ पे क्यों वो कैशियर आई क्यों नहीं है? अरे यार 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 ये भक्ति भी आ रही है, और ये काम पे लग गई। चलो ठीक है डन हो गया भाई, सब चीज तगड़ी हो चुकी है। और अभी ना मेरे को ये चीज तगड़ी करनी है, ये तो सब कुछ पेंट कर दिया था, यहाँ पे पेंट नहीं हुआ था ना, यहाँ भी लगा दी मैंने सब पे टाइल। ये बच गई क्या टाइल? अच्छा ये एक कैसे बची हुई है टाइल? यहाँ पे भी 2-3 बची हुई, और पुलिस आ गई है। रुक जा बेटा मिनट, दूसरे को आंदे भाई, कुछ काम नहीं कर रहा। देख मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी बात सुन। अरे अरे दीदी आप तो मेरी बात समझ जाओगे, दीदी सुनो मेरी बात सुनो। देखो यहाँ पे कोई चोर आया था, वो बंदे मार के चला गया, मैंने नहीं देखा कहाँ है बंदे, वो बंदे कहाँ है सब। अरे वन बेडरूम लेने आ रहे हैं सारे, इनको निपटाऊं पहले तुम। ये कौन सा है? डबल बेडरूम है, रेडी नहीं है। अबे सो क्यों रहा है? अबे यहाँ भी सो सकता है क्या तू? फिर तो मैं अपने लिए पूरा वो बना सकता हूँ, एक रूम पूरा रूम अपन। ओह हाँ यार ये सही चीज है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पूरा रूम मैं अपने लिए बना सकता हूँ फिर तो एक। चलो यहाँ टॉयलेटरी पड़ी है, ठीक है। मुझे बस एक टॉवल रखनी है यहाँ पे, इस टॉवल को रख देता हूँ। एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, क्यों भाई एम्प्लॉय स्टॉप वर्किंग क्यों? एम्प्लॉय डांट खाना चाह रहा है, एम्प्लॉय मार खाना चाह रहा है भाई। ये रूम भी खाली हो चुका है, चलो इसको खोलो। लाओ टॉवल दो, टॉवल दे दो, ये टॉवल आ नहीं रहा। पहले कपड़ा धोने में डाल के आता हूँ, उसके बाद देखेंगे। चलो फटाफट फटाफट चलो। अरे मुझे सोने का है भाई, मुझे सोने का है, मुझे सोने दो, मुझे सोना है, मुझे सोने दो। लाओ ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो, ये दो इसमें डालो, ये दो इसमें डालो, ठीक है। इसको कर स्टार्ट, मैं करके आता हूँ जब तक रूम की फिट, रूम को फिट। चल भाई अभी किसका पेमेंट हो गया पूरा, एक बार वो और देख लू मैं, उसको पेमेंट कर दूंगा मैं। वन बेडरूम चाहिए, अरे इनको भगा दूं क्या? स्टाफ में चलो, स्टाफ में चलो, जल्दी पेमेंट करो इसका, पे कर। क्या कर रहा था तू? वेयर हाउस कैश रजिस्टर। अरे गैस स्टेशन से नहीं हटना है, पागल है क्या तू? गैस स्टेशन पे लग भाई, जल्दी जाके लग, दो जनों को लगाऊंगी गैस स्टेशन पे, वैसे भी कस्टमर तो है नहीं। जा चल तू वेयर हाउस पे लग जा, छोड़ वेयर हाउस से सामान जमाते रहेंगे। आपको क्या चाहिए सर? वन बेडरूम चाहिए, दूसरे को आन दो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए वन बेडरूम की जुगाड़ करता हूँ। बेडशीट कहाँ है? इस बेडशीट को यहाँ रख, दूसरी बेडशीट दे, दूसरी बेडशीट को यहाँ रख, इसको बिछा इस पे, इसको बिछा इस पे। टॉवल अंदर मैंने रख दिए दो, ठीक है। ये वाला टॉवल मत रख यार, इस टॉवल को दे, ये टॉवल महंगी जगह पे यूज करेंगे, इसके लिए तो नए टॉवल धुल गए होंगे ना। हाँ ये वाला टॉवल दे, इसको रखेंगे अपन यहाँ, ठीक है। ये सब रखी हुई, टॉयलेटरी वगैरह ये रखा हुआ, ओके। टॉयलेट पेपर नहीं है, एक टॉयलेट पेपर रख देता हूँ। चलो अभी कमरा डन हो गया, इस कमरे का नाम है 2, ठीक है। दूसरे नंबर का कमरा डन है, जो जो डन होती जाएंगे ना उन कमरों की चाबी मैं यहाँ रख देता हूँ बगल में। चल भाई ये कौन सा कमरा है? रूम नंबर 3, इसको अभी देख। हेलो दीदी वन बेडरूम चाहिए? नहीं है, जाओ अभी एक को भगाऊ मैं, जो कम टाइम के लिए ले रहा है ना उसको भगाऊंगा सबसे पहले। तो ये कमरा भी रेडी होने वाला है, रुक जाओ ये कमरा भी रेडी कर देता हूँ साथ के साथ। बेडशीट में चलो, इसको रखो यहाँ पे। इसके बाद एक और बेडशीट है क्या? हाँ एक और बेडशीट है, इसको बिछाओ
इसको बिछाओ, ब्लैंकेट ये वाला। अरे यार यार इसके लिए तो अलग ब्लैंकेट देना, रुक जाओ इन दोनों को उठाओ, ये बेडशीट, इन बेडशीट को लेके चलते हैं। कौन सा वाला कमरा खाली था? ये कमरा खाली नहीं है, ये कमरा, इस कमरे में भी ब्राउन वाली आनी चाहिए। ओके ये कमरा तो रेडी कर दिया ना मैंने, ये कमरा पूरा रेडी है, टावल के साथ रेडी है। तो ये रूम नंबर कौन सा था? रूम नंबर 5 और 2 रेडी है इस टाइम। और ये बेडशीट कहाँ बिछाऊं फिर? ये बेडशीट तो फालतू है मेरे पास, ये कमरे के अंदर नहीं बिछानी मेरे को, इस कमरे के लिए ब्राउन है, इस कमरे में बिछ चुकी है। इसमें ब्लैंकेट तो नहीं बिछानी, बेडशीट तो बिछा सकते हैं। ठीक है इसको यहाँ रखो, इन दोनों बेडशीट को यहाँ डाल देते हैं और अभी चलते हैं फटाफट से इसको देख के आते हैं। भाई कोई सा दो कमरे ले लो यार। ओके ये आ गया, दो कमरे वाला आ गया। रुक जा, होल्ड ऑन। कौन सा कमरा है? दो नंबर का ये है, दो बेडशीट वाला। ठीक है, और 3 नंबर का भी डबल है बट तैयार नहीं हुआ है अभी। मैं इनको देता हूँ 5 नंबर का। ठीक है 5 नंबर में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा दिन के लिए ले भी नहीं रही है। ले 5 नंबर ये रहा, इसको रखो यहाँ पे। दीदी आप ये ले लो रूम। अभी जो है ये है दो नंबर भी डबल बेडरूम है। सर आप बताइए, डबल बेडरूम नहीं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आओ। रूम नंबर 3, 7 और 6 का क्या चल रहा है? दो, अच्छा दो तो वैसे होंगे। ठीक है 1 बेडरूम चाहिए, हट जाए एक बार। दे दूंगा इनको, दे दूंगा इनमें से किसी एक को दे दूंगा, 1 बेडरूम में ले रहे होंगे तो। टू एक्सपेंसिव, वहां पे जाके टू एक्सपेंसिव कर रही है। चली गई। चल टेक दिस रूम, तू ले ले, बात खत्म कर। ठीक है डबल बेडरूम सिंगल वाले बंदे को दे दिया मैंने। और कचरा फैला रहे हैं हर जगह, कचरा साफ करो भाई। ये भी कचरा फैला के गया क्या वो? हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए? 1 बेडरूम नहीं है भाई, दे दिया मैंने सबको, दे दिया। तू आ गया जल्दी जल्दी। और इस शॉप पे काम क्यों नहीं हो रहा? शॉप पे मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? ये मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, तू वेयर हाउस की जगह लगा, वापस कैश रेस। हाँ सर आपके लिए नहीं है रूम, ठीक है जा सकते हो आप। अरे एक और आ गया, क्या करने जा रहा है? पापा की जगह तेरे, घूमने फिरने आते हैं यहाँ पे, क्या चाहिए तेरे को? 1 बेडरूम नहीं है, चल बग जा, अभी मैं सोऊंगा पहले, मेरे को मतलब नहीं है किसी चीज से, सोने दो मेरे को। नींद आ रही है बहुत जोर से, कल उठूंगा डायरेक्ट। शॉप पे कस्टमर आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है सामान वगैरह। ओके अगला दिन हो गया है और शायद लाइट गई, क्या पता लाइट गई कि नहीं। एम्प्लॉय स्टॉप्ड वर्किंग, कौन सा वाला मारूंगा उसको। पिटाई खाना चाह रहा है क्या? पे करो, चल वेयर हाउस पे लग जा, चुपचाप पे कर दिया भाई। मेरे पास 1400 रुपए इस टाइम, और तुम्हें पता है मैंने कब से पैसे कलेक्ट नहीं करे हर जगह से, पैसे भी कलेक्ट करने हैं मेरे को, और वो मैं बताता हूँ। देखो कितने रुपए हो जाते हैं भाई। यहाँ पे क्यों खड़ी है? फालतू में खड़ी है, एक बार देख के आने दो, ये सामान उठाओ, देख के आने दो भाई पैसा कितना हो गया है। 960 रुपए, और इसके अंदर हो गया है 500 रुपए, और यहाँ पे चलेंगे इसके अंदर कितने रुपए देख नहीं रहे, ले लेता हूँ 180 118। देख रहे हो भाई बड़ी बातचीत, लो मैं सारे पैसे कलेक्ट कर ही लेता हूँ, कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएंगे। ये भी कलेक्ट करवा, और ये जो बिलिंग करती है उसके पैसे सारे आ जाते हैं क्या? अबे यहाँ से उठाने होते हैं, ये रहा अमाउंट बॉक्स। इधर से भी पैसे आए मेरे पास, इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। चलो अभी मैं उसको वेयर हाउस पे लगा देता हूँ वापस से स्टाफ को, ठीक है, जिससे वेयर हाउस का सामान खाली हो। और वेयर हाउस में मैं पहले देख के आता हूँ, वेयर हाउस में रखा भी है क्या कुछ? ये फालतू में इधर उधर हो रहे हैं वेयर हाउस में। ओके थोड़ा बहुत सामान रखा है बट ज्यादा नहीं है। ये फ्रिज जो है, फ्रिज को यहाँ रखो, इन सब चीजों को उधर रख देता हूँ मैं। यार वेयर हाउस के लिए और मंगानी पड़ेगी, रैक्स वगैरह है। ये देखो ये चीज आ नहीं रही है, इसको यहाँ रख देता हूँ। ये बाकी वहाँ का सामान है, इनको उठाओ सबको और यहाँ रखो। चलो फटाफट से चलते हैं, एक और रूम रेडी करके आते हैं। कोई कस्टमर वगैरह आ रखा है क्या ऑफिस पे? ओके ऑफिस पे कोई नहीं आ रखा, शॉप वगैरह पे आ रखे हैं, जो कि अभी निपटा दूंगा। ये रूम भरा हुआ है, दो रूम भरे हुए हैं, ये रहा तीसरा रूम। इसमें क्या चाहिए अपने को? बेडशीट चाहिए, मतलब ब्लैंकेट चाहिए। ब्लैंकेट एक ये रहा, ठीक है दूसरा ब्लैंकेट ये रहा। इसके बाद अंदर जम गया क्या सब? अरे कचरा उठाओ साड़ो, कौन कर रहा है ये कचरा? इतने सारे रूमों में झाड़ू लगा दिया इतनी देर से, मैं पता ही नहीं पड़ रहा। चलो यहाँ पे 2 टॉवल, एक टॉवल को इधर दो और इस टॉवल की जगह लगाओ दूसरा टॉवल, समझ में आ रही है? इस टॉवल को लगाओ यहाँ पे, ये टॉवल दे। हाँ अभी टीवी वगैरह सब बढ़िया चल रहा है, एसी चल रहा है ना। अरे उस कमरे में एसी फिट करना था, एसी फिट करना भूल गया हूँ, टॉयलेटरी रखनी है, ठीक है। बट उस टॉयलेटरी से पहले यार यहाँ पे जो कस्टमर है उसको निपटाया, वरना ही गुस्सा हो जाएगा। और ये भी तो जरूरी लोग हैं भाई। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे पेट्रोल क्यों नहीं भर रहे हैं भाई? कोई भी पेट्रोल भराने ही नहीं आ रहा कोई, और तू फ्री बैठा है ना, पैसा ले रहा फ्री बैठा बैठा। अरे मार खाएगा जूत, खाएगा जूत। हेलो सर तुम लोगों की बिलिंग करूँ जरा यार, पेट्रोल वाले को इस पे लगा देना चाहिए। मैं फालतू में मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि पेट्रोल वाला कोई भराने आता नहीं है। सुबह पहले कोई पेट्रोल भराने नहीं आता भाई, सही है। सुबह पहले जब सुबह सुबह हो ना तो पेट्रोल वाले को, नहीं सुबह थोड़ी हो रही, 13 बज रहे हैं, 1 बज रहा है भाई। गैस स्टेशन की जगह तू चला जा कैश रजिस्टर, ठीक है। रेस्टिंग पे क्यों है तू? वेयर हाउस में जाता हूँ यार। अभी सारा सेटल कर दिया मैंने, अभी चलो फटाफट से। और ये जमा टॉयलेटरी जमा रहा था ना मैं, शैम्पू रख दो सबसे पहले, उसके बाद तुम रखो यहाँ पे एक रूम फ्रेशनर, उसके बाद शैम्पू हैंड सोप रखो एक। चलो भाई डन, बाथरूम डन हो गया है। अच्छा इसमें अभी टॉयलेट पेपर नहीं लगाया मैंने, टॉयलेट पेपर लगाओ। टॉवल रखे हुए हैं दो, डबल बेडरूम सेट तैयार हो गया। कौन सा रूम नंबर 3? चल भाई डबल रूम लेना है क्या तेरे को? अरे 96 आवर्स के लिए 1 बेडरूम लेना यार, पहले आना था तेरे को। डबल वाला कोई है? ओके एक डबल वाला ये दीदी है, डबल वाला देंगे। रूम नंबर कौन सा था इनके लिए? रूम नंबर था 3 रूम नंबर है। लो सर रूम नंबर 3 यहाँ रखता हूँ मैं। हेलो दीदी 1 बेडरूम नहीं है, चलो गिव मी अ ब्रेक, ब्रेक कर दूंगा तेरे को।
अरे सर आप बताओ, पीछे दीदी बैठी थी उनको आन दो, वेट अ मिनट, बहुत टाइम के लिए ले रहा है भाई ये वन बेडरूम, ठीक है इसको दे सकते हैं, इसलिए वेट अ मिनट कर रहा हूँ, टू एक्सपेंसिव अब चला जाएगा साड़ा। टू बेडरूम, ओह 96 आवर्स टेक दिस रूम, पेमेंट देखो तुम, टेक द पेमेंट, लेट्स गो। 4000 रुपए आ चुके हैं मेरे पास, और अभी जो स्टाफ है उसको भेजते हैं अपन गैस स्टेशन पे, ठीक है। एंड वेयर हाउस पे दो जने लगे हुए, वेयर हाउस के लिए मैं सामान मंगा लेता हूँ फटाफट, जो जो सस्ता आ रहा है ना वो मंगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो यहाँ से मैंने ऐड कर दिए 6 आइटम्स। चलते हैं हम सॉफ्ट ड्रिंक्स में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके यहाँ से भी 6 आइटम आ रहे हैं। पेस्ट्रीज में चलते हैं, 1, 2, 3, कितने का अमाउंट बैठा भाई, 2400 रुपए का, सही है। इसको बुलाते हैं अपन, विग बैन में आ रहा है ना सामान, ठीक है स्लो ऑर्डर ही ठीक है। होम डिलीवरी में और कुछ देख लेते हैं, इक्विपमेंट्स मंगा लूं मैं जरा, मेरे को चाहिए बिल्ड पीसेस नहीं, डिस्प्ले के लिए चाहिए चीजें, है ना भाई। वो रीस्टॉकर अपने आप इस पे रख देंगे क्या, तो मैं ये वाली मंगा लेता हूँ, एक टेबल, ये हेड्स रखने की है, हेड्स अपने आप रख जाएंगी इसके अंदर। और रैक्स है क्या, वेयर हाउस सेल्फ, हाँ ये चाहिए मेरे को, वेयर हाउस सेल्फ सबसे बड़ी शायद ये वाली है। और वेंडिंग मशीन है, वेंडिंग मशीन मंगा रखी है मैंने, फ्रिज वगैरह भी मंगा रखे हैं। वेयर हाउस के लिए मैं एक को ये चाहिए, बट ये आएगी सबसे बड़ी ट्रक के अंदर, ये भी दिक्कत है, ट्रक 50% ही भर रहा है। एक और ऐड कर लूं तो, ओके भर गया भाई भर गया, 2000 का आइटम आ रहा है पूरा, ठीक है इन 2000 के आइटम करो ऑर्डर एंड लेट्स गो भाई। अरे अरे दीदी मुंह पे मत आया करो, ठीक है दो मिनट रुको, कोई खाली हुआ क्या कमरा, देख के आंदा मुझे। हेलो सर, अरे यहाँ से गेट खटखटा खटखटा के क्यों देखता हूँ, यहाँ देख सकता हूँ भाई, डिलीवरी नहीं रूम्स में देख सकता हूँ। अभी भाई कोई सा खाली नहीं होने वाला, पांचवें नंबर का खाली हो सकता है दीदी, लेकिन तुम इतनी देर वेट करोगे नहीं, अभी मेरे पास कमरा है। और ये लोग कहाँ लगे हुए, फ्यूल वाला तो चलो कोई काम कर रहा होगा, तू क्या कर रही है भाई, फालतू में खड़ी है, कोई काम धंधा नहीं आ रहा है, फालतू के पैसे बटोर रही है, पैसे बटोर मत लियो, 450 रुपए इकट्ठे कर दिए इसने। कोई बात नहीं, काम करते रहो काम करते रहो, तुमको ऐसे पेमेंट करूंगा ना मजा आ जाएगा तुम लोगों को। चलो भाई पेमेंट करो, इधर से भी पेमेंट करो, कितना हुआ 130 रुपए, इधर से कितना हुआ 80 रुपए, और इधर कितना चल रहा भाई पेमेंट, हेलो 30 रुपए, अरे इधर हुआ 34 रुपीज। अरे भाई इसका भी पेमेंट मिलता है क्या, ये जो है बस स्टेशन का यार, लेकिन एड्स का मिलता है ना, एड्स की ले सकते हैं। और यहाँ से देखो गाइस अपना पूरा मोटेल, मतलब पूरा मोटेल है या पूरा ही मोटेल है भाई। चलो एड्स का पैसा तो कलेक्ट करके आऊं, एड का पैसा तो कलेक्ट ही नहीं करा मैंने, लाओ एड्स में जाओ, और 1600 रुपए और हैं, यहाँ से भी सारे कलेक्ट कर लिए, लेट्स गो। अब जरा नए एड्स देखे जाए, ये सबसे सस्ता है कोका कोला का, बहुत टाइम से लगा रखा है, उस टाइम सबसे महंगा था भाई, इसे करते हैं। और अभी देखते हैं नया कोई महंगा एड आ रहा हो, ठीक है ये दे रहा है 65, ये दे रहा है 85, पहले कम दे रहा था, ये पहले भी आया था मेरे पास ये एड लगाने के लिए, इसको लगाते हैं अपन, ठीक है। और इसको अभी हैंग करते हैं, ये वाला पोस्टर खाली हो गया ना। हेलो सर आपको क्या चाहिए, दीदी नहीं है मेरे पास, मैं सो जाऊं जरा थोड़ी देर, निन्नी आ रही है निन्नी। अब चलते हैं वहां ऐड लगाने, क्योंकि यार वहां तक जाते इतना धीरे धीरे जाता है ये आदमी, मैं क्या ही बता। लाओ दो ऐड, दो इस ऐड को मैं कहां लगाऊं, यहां पे जगह है क्या, इस पे बस स्टैंड वाली पे जगह है, बस स्टैंड पे कहीं जगह है नहीं, ओके यहां है ना, अबे यहीं लगा दूंगा, लो इसको लगाते हैं यहां पे। अभी एक और ऐड की जगह है मेरे पास, वहां पे लगाना चाहो तो कोई लगवा लो, देखो खाली पड़ी। अभी ट्रक वर्क कहां रहा, ओ मेरी डिलीवरी आ गई, वेयर हाउस पे लोग बाग लगाने पड़ेंगे मेरे को, मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, कहां कहां लगे हुए भाई, कैशियर लगा हुआ है, एक गैस स्टेशन लगा हुआ है, कैशियर का कोई काम नहीं अभी, ठीक है तो तू एक काम कर, वेयर हाउस पे काम कर, पेमेंट कर दूं तुम लोगों का, अभी मन नहीं है मेरा। और एक सेकंड वो टेबल आई होगी ना, टेबल जमानी है मेरे को, और खोल खोल गेट खोल, अरे जल्दी बाहर आया, ये चीजें आई हैं, टेबल जमेगी यहाँ पे, ठीक है टेबल मंगाइए दो बड़ी वाली, इसको उठाओ इसको रखो यहाँ, यहाँ आ जाएगी टेबल, ठीक है ले भाई गेट खोल। और टेबल कहाँ है मेरी, ये रही एक टेबल, ये रही दो टेबल, इसको रखो यहाँ, ठीक है इसको रखो यहाँ, डन भाई। अब ला फटाफट फटाफट सामान, अब तो मैं खुद ही जमा दूंगा, देख बताऊ क्या करना है, बस देखो ऐसे फेंकने का है बस मेरे को, वो नहीं ऐसा ही था यार, जम क्यों नहीं रहा इसके अंदर, अरे अब ये खुद ही जमाएंगे फिर, मैं और तो क्या ही बोलूं, इसमें तो जम जाता था, नहीं जम रहा यार, इसमें भी नहीं जम रहा, ओ जम रहा है, क्यों नहीं जम रहा, ज्यादा बड़े आइटम है इसलिए नहीं जम रहे क्या, थोड़ा धीरे फेंको तब जम रहा है, क्या पता भाई, कुछ तो जम जा रहा है कुछ नहीं जम रहा, देखना कुछ जम रहा कुछ नहीं जम रहा, पता नहीं ये भी नहीं जम रहा, क्या पता भाई खुद जमा लेंगे, छोड़ो मैं जाके अपनी निन्नी निन्नी पूरी करता हूँ। और एक ये चीज मुझे लगानी पड़ेगी, ये मैं लगा लेता हूँ, लो फ्यूल रिजर्व, लो वापस से, अभी मंगाया था जिसमें तो मैंने इनके 700 रुपए का फ्यूल, अरे ऐसे खाली कर देते हैं पता नहीं तो क्या ही बेच रहे, यहाँ लगा देते, हाँ भाई क्या फ्यूल खत्म हो गया, पहले पैसे दे फिर मंगाऊंगा फ्यूल, तेरे पैसों का तेरे को दे दूंगा। चल भाई थोड़ी बहुत साफ सफाई करके फ्यूल मंगाओ इन लोगों का। हेलो दीदी क्या दिक्कत है तुमको, टू बेडरूम, अरे अरे लोग भाग आ गए, लोग भाग आ गए, इसमें चलो फ्यूल में चलो, इसको मंगाओ पूरे को पहले तो सबसे पहले मंगाओ पूरे को फ्यूल, और दोबारा ऑर्डर कर सकता हूँ मैं दो, लेकिन अभी तो वो आए नहीं ना इसलिए ऑर्डर कर सकता। हेलो दीदी, ओ चेकआउट हो गया, सबसे बढ़िया कौन सा रूम नंबर चेकआउट हुआ, 5 रूम नंबर चेकआउट हुआ है, चलो 5 रूम नंबर में चलो फटाफट खोलो दरवाजा, खोलो 1, 2, 3, 4, और इसमें कौन सी टॉवल गंदी करी है तुमने, ये वाली, फटाफट से धो के आऊं इन्हें, फिर रूम नंबर ये वाला रूम देना है मेरे को उनको। और भाई वेयर हाउस में क्यों धुलते हैं कपड़े, मुझे तो ये समझ में नहीं आई, और कहीं नहीं धो सकता, चालू कर फटाफट, कितने लोग आए डबल रूम लेने, ओके एक जने आया डबल,
रूम लेने तो। हेलो सर, आप यहीं खड़े रहो ना, जब तक वो रूम रेडी कर दूं उसके लिए, वो डबल रूम लेने आया, ऐसी थोड़ी है, बड़ा आदमी है वो, तुम लोग छोटे हो। ये क्या रखा हुआ है? अबे शेल्फ रखी हुई है, ठीक है यहाँ रख देता हूँ, कोई काम में आ जाएगी। चलो भाई पूरे में मैंने मार दिया इसमें झाड़ू, अब मुझे थोड़ा बहुत कचरा उठाने का है। और भाई अभी तक लो फ्यूल कैसे, मैंने मंगा तो दिया पेट्रोल, क्या पता भाई क्या चक्कर है, समझ में नहीं आ रही। बेडशीट वगैरह रखी हुई क्या? बेडशीट रखी हुई है सफेद कलर की, बिछाई देता हूँ लोग, क्योंकि यार वो वाली बेडशीट है ना एक मिनट में धुलेंगी, तो जब तक वो आदमी भागे इससे अच्छा मैंने ये बिछा दिया। ये बेडरूम रेडी करते हैं फटाफट। टॉयलेटरी में रखते हैं सबसे पहले इनके लिए एक शैम्पू, उसके बाद एक रखेंगे रूम फ्रेशनर, देन एक हैंड सोप जो कि यहाँ आना चाहिए, ओ ये सही लगेगा। देन कोई तो बंदा काम करना बंद कर दिया है, एम्प्लॉय साले एम्प्लॉय के चाटा मारूं खींच के। माउथ वॉश ठीक है, एक चाहिए शेविंग क्रीम, चलो सब रख दिया है मैंने। अभी टॉयलेट पेपर रख दूं, और टावल रखा हुआ है? नहीं टावल नहीं रखा हुआ, टावल दे दो एक। लेट्स गो, सब कुछ रेडी कर दिया मैंने अंदर भी और बाहर भी। एक एसी का प्लग नहीं ना, रुक जाओ इस पर एसी का प्लग लगा के आऊंगा एक। और अबे कहां से आ रही, साले पागल हो क्या तुम, थोड़े से इतने रूम नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल। लाओ एसी का प्लग कहां से लगाऊं, पहले मैनेजमेंट में चलो, मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, कॉन्वेयर हाउस पे तो रेस्टिंग साढ़े पे कर, तू लग कैशियर की तरह ठीक है, गैस स्टेशन वेयर हाउस सब सही है। अब वो प्लग कहां रख दिए थे यार, इससे पिछली बार कहीं ना कहीं तो मैंने प्लग लगाया था और उसके बाद पता नहीं कहां रख दिए मैंने सारे प्लग। यहां पे देखना, यहां पे देखना, फालतू में पड़ी है बेडशीट वगैरह, और मेरे को प्लग्स वगैरह याद नहीं आ रहे कहां रख रखे मैंने। रुक जाओ भाई मैं प्लग देखा हूं जरा, भाई तेरे लिए तो रूम नहीं है, तू जा यहां से ठीक है, दूसरे को आने दे एक बार। डबल बेडरूम वाले अब तो आ गए होंगे बहुत सारे, या फिर सब बस से छूटे निकले हैं। टू बेडरूम हाँ तू बैठा रहे, तू बैठा रहे, दूसरे को आने दे। वन बेडरूम हाँ तू यहां खड़ा रहे, तेरे को जाने का है यहां से, जब तक मैं वो ढूंढ लूं यार प्लग्स रखे होंगे कहीं ना कहीं। अरे तुम लोगों से यार ये खाली नहीं हुआ इतनी देर में, लाओ ये सब मैं खाली करूँ। चलो सारा मैंने सामान फेंकवा दिया है यहाँ, अब मुझे प्लग ढूंढने दो पहले। प्लग यार प्लग कहीं नहीं है, ये क्या है, खाली खाली हो जाए तो डब्बा मुझे बता दिया करो ना। प्लग दे दो, प्लग दे दो, कहाँ रख रखा है मेरे, प्लग मिलेगा और नहीं यार गाइस प्लग नहीं मिल रहा, बताओ क्या करूँ, शायद खत्म। ओ ये प्लग क्या काम आ रहा है, अरे जल्दी चल जल्दी चल, ऐसे छोटी मोटी चीजों से बचत कर लेता हूँ मैं। देख रहे हो तो कौन से कमरे में लगाना था, एट्थ कमरे में। ओ भाई कितने सारे कमरे हो गए मेरे पास, अभी एट्थ नहीं हुआ है, ये वाला तो पांचवा है। ये दे मेरे को ठीक है, इसमें लगा चलने लगा, ये पुलिस आ गई, फिर पुलिस आ गई, पता नहीं क्या ही करने आया। अब वो कमरा चलने लगा कि नहीं पहले ये बता मेरे को, रूम में चलो इस कमरे में एसी चल रहा है कि नहीं। ओके कोई दिक्कत नहीं है इस कमरे में एसी चल रहा होगा। ले भाई तू है ना एक काम कर, यहाँ से निकल ले सीधा सीधा, नहीं है मेरे पास रूम, बस एक ही रूम खाली है जो की रेडी भी है, बाकी रूम तो मुझे रेडी करने पड़ेंगे। हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए, डबल ओ वन बेडरूम चाहिए बहुत देर के लिए, बट मैं सो आ रहा हूं थोड़ी देर में, टाइम पास कर लो। चलो होटो अब तू यहां से जा सकता है, या फिर वेट अ मिनट कर ले, दूसरे को आने दे वो उसको। अरे यार सर सर सुनो मेरी बात सुनो, अरे तू उसको क्या दे रहा है मुंह में, अरे सर सुनो मेरी बात, आपके लिए रूम रेडी कर दिया, आ गया हो आप है ना, इसको मैं भगाता हूँ, आप आ गया हो। अरे खड़े, अरे उधर से खड़े हो गए, वो वहां तक चक्कर चलेगा फिर वो पहला बंदा खड़ा होएगा। एक तो इतने सारे जने आ जाते हैं वन बेडरूम के लिए, 96 आवर्स के लिए मांग रहे, कोई खाली करने को तैयार नहीं है मेरा रूम। अरे जल्दी जल्दी आ जा, तेरे को कैसे बुलाऊं जल्दी, वन बेडरूम नहीं है भाई, अगला आओ अगला आओ जल्दी आओ। टू बेडरूम दूंगा क्योंकि टू बेडरूम 130 रुपए का बिकता है। आ गया भाई आ गया खड़े, अरे आ जा गुरु तू, तेरे लिए तो वेट कर रहा हूँ जब से, रूम नंबर 5 की है ना। हाँ तू ये ले ले, टेक दिस रूम, टेक द पेमेंट। चलो भाई इनका काम हो गया है ठीक है, अभी जो फालतू के सामान पड़े हैं इनको उठाओ यहाँ से। टावल वावल मैंने इधर बिखेर बुखूर के रख दिए ना, अभी दोनों रूम साफ करूंगा, मेरे को रूम बनाने लग्जरी वाले। ये भी उठाओ टावल, उसके बाद कुछ नहीं है। चलो इन सब चीजों को रखो यहाँ 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 यहाँ, अबे नहीं ये एक धुला हुआ थोड़ी है, इसको डालो इसमें, इसको करो स्टार्ट एंड अभी डन। चल भाई तू जा सकता है यहाँ से ठीक है, तेरा काम हो गया। अब बता कहाँ पे कितना पैसा रखा है मेरे पास, इसमें कितना पैसा है, इसमें है 500 रुपए, सही है। थोड़ा झाड़ू पोंछा लगा दूं मैं, क्लीनर बन रखा हूँ पूरे पूरे सुपरमार्केट का क्लीनर बन रखा हूँ, पूरे मोटेल का क्लीनर बन रखा हूँ मैं, और कोई काम नहीं है मेरे पास, देख रहे हो तो। लाओ अरे ये दे दे, चलो आ गया, कूड़ा आ गया यहाँ पे पड़ा कूड़ा थोड़ा बहुत, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, और ये भी दे दे। ये कूड़ा इकट्ठा हुआ, इसको फेंको और वापस से कूड़ा आने लगा। चल भाई साफ सफाई थोड़ी सी, और अबे अभी अभी साफ करके गया ये मैं, चलो पागल वागल हो क्या तुम यार। चलो सब कुछ साफ कर दिया है, यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे 180 रुपए इकट्ठे हैं, यहाँ पे 80 रुपए कट्टे। ज्यादा भीड़ भीड़ हो रही हो तो कुछ और मंगवाऊं यहाँ पे, बताओ क्या कहते हो, कुछ यहाँ रखवाया जाए। हेड्स इस पे नहीं टांगी है भाई इन लोगों ने, हेड्स इन्हें यही टांग दिए, ये क्या बकवास है। देखना यहाँ पे टांगूंगा तो ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, देखो क्या मस्त लग रही है वहाँ टंगी हुई हेड, इन्हें यहाँ रख दिए पता नहीं किस तरीके से, वेयर हाउस वाले काम बढ़िया नहीं करते। छोड़ो भाई शॉप पे थोड़े कस्टमर्स भगाया हूँ मैं, क्योंकि फालतू के कस्टमर इकट्ठे हो रखे नहीं है भाई, तो फटाफट चलो अभी तुम भी निकलो यहाँ से, नहीं है मेरे पास कोई रूम, मैं रूम साफ करूँ इनके लिए, रूम बन जाएगा इतनी देर में। तो एक लाओ कचरा दो भाई, कचरा दो सारा कूड़ा
कचरा उठा लूंगा मैं आज, और इस कमरे में सारा कूड़ा मैंने उठा लिया है, अभी चलते हैं दूसरे कमरे में। और ये क्या है? अच्छा इस कमरे का दिखा रहा है। अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, सब कमरों में आ रहा हूँ, सब कमरों में यही काम है मेरा, सुबह शाम का यही काम है मेरा। अभी इसमें से कचरा उठा के भी फेंकना पड़ेगा। लो ये कर्मचारी कर देते हैं क्या? कर्मचारी नहीं करते क्या ये काम? इन सब कूड़ों को ना अभी के लिए उठा उठा के इधर बगल में फेंक, और तो क्या ही करूं, बाद में दूर फेंक लेंगे सारे कूड़ों को। अभी मुझे रूम रेडी करने, तो यहाँ का कूड़ा एकदम साफ हो गया, यहाँ पे दो आइटम पड़े हैं बस, और ये गया सारा कूड़ा बाहर। अब भाई बताइए दूसरा कमरा कौन सा था? ये रहा। इसमें तो आसानी है, ज्यादा कचरा है नहीं, वो सारा कूड़ा यहीं पड़ा है। चलो बाथरूम में से सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया, बाहर का कूड़ा और बाहर फेंक दिया, एंड ये हो गया डन। अभी लगा देते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे झाड़ू, जिससे कि और जो भी गंदगी है वो भी साफ हो जाए, और इस रूम में पेंट वेंट करना स्टार्ट करें। भाई ये रूम साफ हो गया एकदम, इसके बगल में जो रूम है इसको भी करो साफ, और ये रूम भी हो गया एकदम साफ। चलो भाई, अरे एक कहां से बच जाता, मेरे दामन पे आग लगाएगा। अभी ये कचरा यहां कहां आया, ये बाहर फेंको। हां भाई अभी टाइलें तो हैं, अभी टाइलें हैं जो कि बाहर लगेंगी, ठीक है, तो इनको अभी रखने से मतलब नहीं है, इन सब टाइलों को यहां रख देता हूं मैं, ठीक है, जब आगे की साइड और ग्रोथ करेंगे तभी टाइलें काम आएंगी। इसके बाद अपने पास है एक ये, ठीक है, ये भी काम आ जाएगा। उसके बाद अपने पास कुछ वॉलपेपर्स हैं, और ये छत के लिए है, ठीक है, छत के लिए ये लगा देंगे। पहले नहीं, पहले लाइट्स मंगानी पड़ेगी, लाइट्स नहीं होगी, मेरे बेड वगैरह भी पड़े हैं, देखना देखना कूड़ा कूड़े पे बैठे हुए। हेलो सर, रुको भाई रुको, देखने तो कौन सा रूम खाली होने वाला है। ओके रूम रेंटेड बट खाली हो गया है, टाइम क्यों नहीं चल रहा है इसके ऊपर? रुकियो जरा, रुकियो जरा, खोल दरवाजे को। ओए मैंने गोली तो चलाई बट कर क्या हो रहा है? और फ्यूल पे लोग बाग क्यों नहीं फ्यूल भर रहे हैं? ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? अबे फ्यूल क्यों नहीं भर रहा है इसका? कोई 8 लीटर ही भरना था, लेकिन तुम्हारा पेशेंस कम हो रहा है। 3 बैठा दूंगा मैं, दे दे जितना पैसा दिया उतना बहुत है, पैसा लो यहाँ से। और कोई तो रेस्टिंग फेज पे चला गया, रुक जाओ पेमेंट करना पड़ेगा उसका। मैनेजमेंट में चलो, स्टाफ में चलो, ओके इसका पेमेंट हो गया ना। चल कैश रजिस्टर को कैश का काम करने दो, या फिर गैस स्टेशन पे बैठाते हैं इसको, क्योंकि अभी कोई है नहीं। अरे क्या हो गया सर, जाओ आप जाओ। ये रूम खाली नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों। रूम नंबर 1 की की भी नहीं है मेरे पास, और रूम नंबर 1 में जो है टाइम भी नहीं चल रहा है। क्या चक्कर है ये, ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग बडी? चल क्या रहा है, अब मैं देख भी नहीं सकता इसके अंदर क्या चक्कर है। क्या पता भाई, क्या फालतू पंती कर रखी है। देखो यहाँ टाइम नहीं चल रहा, वरना टाइम चल रहा होता है यहाँ। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ये रूम नंबर 3 अपना सबसे महंगा बता रहे हैं। क्या पता भाई क्या चक्कर है। अरे नहीं है यार रूम, तुमको भगाना नहीं चाह रहा, तुम बड़े लोग हो, मैं सो जा। ठीक है शॉप पे कोई नहीं लगा हुआ, एक सेकंड शॉप पे लगा दूं। मैनेजमेंट में, स्टाफ में, तू रेस्टिंग पे है ना, इसको पे करो, इसको लगाओ, कैशियर, तीनों जगह सब में। और सर आपको क्या चाहिए? नहीं है मेरे पास, गुड नाइट, मैं सो रहा हूँ। मुझे नहीं पता रूम नंबर 1 खाली क्यों नहीं हो रहा है, वही जाने रूम नंबर 1 वाला, मुझे सोने दो। कौन सा स्टॉप्ड वर्किंग हो गया? अरे कहीं भी कोई भी नहीं है, तुम सब रेस्टिंग में चले जाओ, समझ में आ रही? सब रेस्टिंग में जाओ। तू एक काम कर, तू इस लग जा वेयर हाउस में, और तू लग जा वेयर हाउस। कौन आ रखा है? कस्टमर एट द शॉप। क्या चीज सर आप? नहीं, फ्यूल व्यूल पे लोग आ रखे हैं, और ऑफिस में, अच्छा ऑफिस में तो बहुत पहले से हैं, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ जरा, अभी क्या हुआ, अनस्टक। अच्छा वेयर हाउस में जो लगा हुआ है उसे वेयर हाउस में लगे नहीं देते, या फिर एक काम कर, तू जा गैस स्टेशन, तू जा वेयर हाउस, नहीं पे कर पहले से, तू जा वेयर हाउस, और तू जा कैश रजिस्टर बन जा, ठीक है, हो गया, तीनों का काम हो गया। आपको क्या चीज दीदी? नहीं है, वन बेड। अब ये खुला है क्या? अरे ये खुला क्यों नहीं है? अच्छा अभी चेकआउट करने के लिए यहाँ बंदा आ रखा होगा। ये रहा, मुझे लगा ही था, रूम नंबर 1 के लिए चेकआउट करने यहाँ लोग आ रखे होंगे, और मैं इन लोगों में आके वो बैठ गई है, पागल सी औरत। मुझे देना ये कमरा, समझ में नहीं आती है, जल्दी जल्दी किया करो जो करना तुम लोग। चलो ये रूम मैंने कर दिया साफ पूरा, और इसके बाद ये उठाओ, और रुको ये कूड़ा उठाना है, इसको लेना है, इसको लेना है, इसको यहाँ रखना है। उसके बाद एक ब्लैंकेट रखनी है यहाँ, एक बेडशीट, एक टॉयलेट पेपर, टॉवल रखी हुई है क्या? नहीं, एक टॉवल दे दो, और अब रखनी है टॉयलेट, एक एयर फ्रेशनर। चल भाई ये कमरा ले ले, रूम नंबर 1 कौन सा था, तू क्या लेना चाह रही है? नहीं है, वन बेडरूम 96 आवर्स वाले को दूंगा, ये दोनों लेना चाह रहे थे 96 के लिए शायद। सो जाता हूं थोड़ी थोड़ी देर में, नींद लेनी पड़ती है मेरे को ऐसे। चल भाई अब तू बता तेरे को क्या चाहिए, वन बेडरूम नहीं, 96 वालों को दूंगा सिर्फ। आ गया ऑफिस पे एक जना आ गया, अबे वो चला गया, शिट, टेक दिस रूम, ला पेमेंट दे। हाँ दीदी आपको क्या चाहिए? दीदी आई है बड़ी शान में। कोई सा रूम खाली हो क्या? इस रूम में गया नहीं क्या वो बंदा? अच्छा जा रहा है ना, ठीक है। हेलो दीदी, वन बेडरूम नहीं है। अभी मेरे को ना बनाने ये वाले वन बेडरूम बनाऊंगा, एक तो वन बेडरूम बनाऊंगा, आलीशान वाला वन बेडरूम बनाऊंगा भाई इसको, देखो तुम। लेकिन उसके लिए आलीशान आलीशान रुपए भी चाहिए होंगे, मेरे को आलीशान रुपए है नहीं मेरे पास, सिर्फ 4,500 रुपए। 4,500 रुपए में क्या होता, तुमने देखा? कुछ नहीं होता यार, एक क्लीनिंग के लिए भी बंदा लगाऊं, पता है क्लीनिंग करने मैं आता हूं ना, तो आधा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है मेरा। पेमेंट अब बहुत सारी आ ही रही है, तो क्यों ना क्लीनिंग के लिए मैं एक बंदा लगा दूं। देखो यहां से भी 140 रुपए आ चुके हैं, यहां से भी 90 रुपए आ चुके हैं, सब जगह काम पे लगा देता हूं, लोग बाहु मस्त एकदम बढ़िया रहेगा। ला पेमेंट उठाने दे अब मेरे को, एक और बंदा हायर करूंगा मैं। पहले वेयर हाउस अपग्रेड करना पड़ेगा ना, वेयर हाउस कह रहा हूं मैं, वो जो स्टाफ रूम वाला है ना उसको अपग्रेड करते हैं। चलो अपग्रेड में चलो, और पावर एडवर्टाइजमेंट बस कहां है ये स्टाफ रूम, ये रहा भाई, इसको अपग्रेड करते हैं। 2000
3000 और अब लेगा 3500। कैंसिल करो इस, देख के आन देना जरा कितने लोगों के लिए हो गया ये रूम। आओ जरा 6, अरे अब सही है यार, यहाँ पे एक यहाँ पे दो, ये दो ही तो खुले हैं, 6 कैसे हुआ, 1 2 4, पता नहीं 6 लोग कैसे रहेंगे, रूम तो 4 ही है। अच्छा शायद 2 जने काम पे चले जाते हैं तो इस हिसाब से होगा ये। अब मुझे सबसे पहले तो हायर करना, तो हेलो दीदी आपको क्या चाहिए, 1 बेडरूम नहीं है मेरे पास, कूड़ा फैला गई है बहुत सारा, मैनेजमेंट स्टाफ हायरिंग, और ये मैं पैसे, ओके एक सेकंड, मैंने प्राइसिंग तो सेट ही नहीं कर रखी है कई चीजों की, 100% चांस में बिक रहा है क्योंकि सस्ता है ये, मैंने 90% चांस कब पे बेच रहा था मैं इतने दिनों से। इसको करता हूँ 1.50, नहीं इसको 1.60 कर दो, ठीक है इसको कर दो 1.60, इसको कर दो 1.60, सेव करते हैं प्राइस, स्टाफ में चलते हैं, एक हायर कर रहा था ना मैं हायरिंग में, चलो इस बार किसको हायर करा जाए, इस बार करता हूँ मैं इसको, ठीक है इसको हायर करते हैं, जो भी नाम इस आदमी का, इसको करेंगे अपन क्लीनिंग पे, रखो भाई साड़ी को क्लीनिंग कर दो, ठीक है फटाफट क्लीनिंग कर दे हर जगह, क्योंकि अब मैं रहूंगा सोता रहूंगा देर तक, ऑफिस पे भी एक जना बैठा सकते हैं क्या, क्या पता। ये तीनों कपड़ों को डालो इसके अंदर, इसको करो स्टार्ट, और भाई ये लोग सामान नहीं जमा रहे, वेयर हाउस पे एक और जना लगाऊंगा, रुक जा अब तो 6 जने रख सकता हूँ ना, वेयर हाउस पे इतने सारे लोग लगाऊंगा, वेयर हाउस पे जरूरी है मेनली, तो भाई स्टाफ में चलो हायरिंग में चलो, इसको हायर करो ठीक है, अब किसी को भी हायर कर लिया मैंने, स्टाफ में जाके कौन सा रेस्टिंग पे, इसको करो वेयर हाउस, चलो 2 जने वेयर हाउस पे लगे रहो चुपचाप, ठीक है एक क्लीनिंग पे लगा हुआ ही है, इसको 1 बेडरूम चाहिए, नहीं है 1 बेडरूम भाई, कचरा साफ कर, इसको उठा, इसको डालो वहां पे, और ये भी दे, हाँ दीदी आपको क्या चाहिए, 1 बेडरूम नहीं है मेरे पास, सो रहा हूँ मैं जाके। गुड नाइट गाइस, देख रहे हो तो मैं ऐसी नींद लेता हूँ एकदम मस्त तगड़ी वाली अभी, क्योंकि 2 मिनट दिखा रहे हो वाले पे, अरे 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 सब कुछ खत्म हो गया मेरा, क्या इलेक्ट्रिसिटी क्यों गई है, इलेक्ट्रिसिटी, अरे लो कर लो बात, ये इलेक्ट्रिसिटी की भी झंझट मिटाऊं, देखो तुम पैसा बहुत है मेरे पास आज के दिन, अपग्रेडेशन इतनी करूंगा भयंकर वाली, रुकना जरा कहां से लेते हैं वो, अच्छा पेट्रोल पंप से लेके आना पड़ता है पेट्रोल, ला भाई पेट्रोल दियो जरा मेरे, अभी बताओ इनकी छुट्टी बताऊंगा बेटा छुट्टी करूं, देखो इसको करो लीवर को उधर, और ये हो गया अब लाइट्स ऑन, अब देखो मैं क्या करता हूं, देखो बस 2 सेकंड, इसमें जाना है अपग्रेड्स में जाना है और पावर रूम को अपग्रेड करना है, 2500 रुपए ले रहा था इसलिए अपग्रेड नहीं कर रहा था दिन से, बट आज के दिन ये अपग्रेड हो गया, लेट्स गो भाई, कैंसिल करो, अब मुझे देखने दो क्या अपग्रेड क्या हुआ है उसके अंदर, 1 बेडरूम नहीं है भाई really? देख के आंदो जरा, देख के आंदो, देख के आंदो क्या चल रहा है यहाँ, ओके ये क्या अपने आप ही काम करेगा, इसको टर्न ऑफ कर दूं तो, अच्छा नहीं, अबे तो गेट रिड ऑफ ब्लैकआउट क्यों था ये, अरे ये क्या बकवास है, काम तो वैसा का वैसा ही कर रहा है, कुछ स्पेशल नहीं हुआ इसके अंदर, ये क्या लिखा है प्राइस, ओ गैस स्टेशन की प्राइस लिखी हुई है अपने यहाँ पे, सही है यार, बट ये काम क्या कर रहा है, ये तो पेट्रोल ले रहा है, मतलब जनरेटर चल ही रहा है ना, जनरेटर में मुझे बार बार भर के लानी पड़ेगी बाटली, क्या मतलब हुआ फिर, रुको भाई अब जो मतलब हुआ नहीं हुआ, इसको अपग्रेड करने का 2500 रुपए ले लिए यार, मतलब तो होना चाहिए था इस अपग्रेड करने का, क्या बता भाई क्या चक्कर है, इसको तो मैं भर देता हूँ पहले पेट्रोल से, जिससे वापस बंद ना हो जाए, शायद ये अभी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा इस पे, इसका मतलब तो मुझे ये लग रहा है जो अपग्रेड किया भाई इतना महंगा वाला मैंने, अभी चलते हैं अपने ऑफिस में, और भाई ये स्टार भर क्यों नहीं रहे यहाँ पे, मुझे पता नहीं है स्टार भरने तो चाहिए थे, लोग बाग कोई सा रूम खाली हुआ है क्या, देखने जाना जरा, टाइम सब में चल रहा है, मतलब कोई रूम खाली हुआ नहीं है, सबको भगाने पड़ेगा मेरे को, ओके चेकआउट के लिए आ तो गई, कौन सा रूम नंबर 4, ये रहा अपना रूम नंबर 4, इसको खोलो, ये सिंगल बेडरूम है, चल भाई सिंगल बेडरूम वालों के लिए नया हो गया है, एक बेडशीट, अबे ये दोनों अलग कलर की बेडशीट्स हैं, वो कहां है व्हाइट वाली बेडशीट, धोने में पड़ी होंगी, इस वाले रूम के अंदर कुछ नहीं, और तू क्यों आया भक्ता भक्ता, मैंने कर दी ना सफाई यहाँ की, ये देखो ये आदमी भक्ता भक्ता आया, सफाई करूंगा मैं पहले, मैं ही करूंगा सारी सफाई, क्लीनिंग के लिए तो एक जना नहीं रखूं तो ही बढ़िया है, क्लीनिंग का तो फालतू पैसा जा रहा, इसको अभी के लिए यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, ये उठाओ उठाओ उठाओ, इसको यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, ये उठाओ ये उठाओ, और एक और चीज थी ना कहाँ गई, चल भाई वापस चालू हो जा, और उस भाई उस क्लीनिंग वाले को हटा के वो करता हूँ मैं, रुकना जरा क्लीनिंग वाले को हटाओ, चलो फालतू टाइम पास कर रहा, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, तू जा वेयर हाउस में, चल काम कर, दीदी आपको क्या चाहिए, 1 बेडरूम नहीं है मेरे पास, दीदी 1 बेडरूम मांगो मत मुझसे, मैं मार दूं, अबे क्या बोल रही है यार ये 1 बेडरूम, अच्छा ये है तो सही 1 बेडरूम, क्यों टाइम पास कर रहा हूँ मैं, 1 बेडरूम तैयार करो पहले, तैयार नहीं है 1 बेडरूम इसलिए मना कर दिया मैंने, ब्लैंकेट में चलो ब्लैंकेट रखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे चलना है, और टॉयलेटरी वगैरह यार ये कमरा मैं नहीं किसी को नहीं दे रहा, ये कमरा जा रहा रिपेयर पे, समझ रहे हो तुम लोग, क्या चाहिए आप यार 1 बेडरूम चाहिए इसको, लेकिन पैसा बहुत सारा आ सकता था, दीदी आप पीछे जाओ जरा, 2 बेडरूम चाहिए किसी को या फिर कोई चेकआउट करने आया हो, हेलो हेलो सर कहाँ जाए, पैसा दो थोड़ा बहुत भाई मैं नए रूम बनाऊंगा, ये रहा पैसा 316, इसमें से पैसा मिला मेरे को 200 रुपए, रिजर्व में कितना पड़ा 62 लो, अभी फ्यूल भी खत्म होने वाला है, फ्यूल भी मंगाना पड़ेगा मेरे को, इसमें से भी पैसा दो, इसमें से पैसा दो, और अभी हो गया 2000 रुपए, और 2000 रुपए में कुछ नहीं होगा, अरे हट जा भाई, एड्स वालों से और पैसा लेके आन दो, 400 रुपए एड वालों के आए, अरे ओवरलैपिंग एड, अबे इन दोनों का पैसा ही नहीं मिल रहा है मेरे को, शिट हो गई
शिट हो गई दो चीज, फ्यूल भी खत्म हो गया है। पहले मंगाओ फ्यूल, ऑर्डर करो। और ये सबसे महंगे एड्स थे ये सारे के सारे, मैंने कचरा कर दिया इन लोगों को। पहले ही बता दिया होता ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ लगा देता, जगह पड़ी थी मेरे पास, लेकिन नहीं तूने बहुत है लोगों। और भाई अगर मैं और मंगा लूं ये तो और एड लगा सकता हूं क्या? जरा देखो क्या चाहिए आपको। वन बेडरूम दूसरे को बांध दो, दूसरे को बांध दो, भीड़ बहुत जमा दी है तुम लोगों ने। हाँ भाई दूसरी क्या कह रही है तू, वन बेडरूम? अरे यार ये 96 आवर्स के लेने आ रहे, दे दूं क्या वाला, वो वाला रूम बना के? वन बेडरूम नहीं है भाई, ला भाई इस रूम का कुछ करा जाए। ठीक है इस रूम के अंदर क्या नहीं है सबसे पहले बताओ। ठीक है इसमें एक वॉलपेपर वाला रूम बना दूं, जरा देना ये वॉलपेपर पड़ा भी है मेरे पास बहुत सारा है ना, ये वॉलपेपर पड़ा है, क्यों ना इसको लगाया जाए। फर्श भी नॉर्मल है ये, अच्छा ये दोनों चीज अलग, ये मैंने बचे हुए सामानों में से बना दिया था शायद तभी ऐसा। भाई रुक जाओ अभी करूं इस कमरे को पूरा करता हूं। ये वाला पेंट अंदर डार्क को रखा है आधा और आधा ऐसा रखा है अंदर। ठीक है ये तो अच्छा लग रहा है, ये देख लेता हूं मैं जरा, ये भी ठीक हो गया। अब मेरे को दो फ्लोर, फ्लोरिंग करता हूं मैं। फ्लोरिंग यार ये वाली तो इनके अंदर बिछाऊंगा मैं, यहां फ्लोरिंग करता हूं मैं। ये कमरे भी साथ के साथ रेडी करूं, ये वाली फ्लोरिंग और मंगानी पड़ेगी मेरे को, लग रही है मस्त एकदम। ये करो पूरा, ये तो पूरा हो जाना कम से कम, चॉइस टाइलें होंगी नहीं लेकिन इसके अंदर। ये क्या है, ये छत का है शायद। अबे नहीं ये छत का नहीं है, ये वॉल्स का है। लाओ दो वॉल्स, ये है छत की सीलिंग है ये, है ना, इस सीलिंग को भी कर दो। अब मुझे सब मंगानी, सीलिंग, फ्लोर और ये जो है वॉलपेपर लगा दूंगा एक जगह, वॉलपेपर मस्त लगेगा। इधर किधर लगाऊं, बड़े वाले एरिया पे लगा देता हूं। वॉलपेपर और होने भी चाहिए तब तो लगाऊं बड़े वाले एरिया। इसके अंदर दो पड़े नहीं, कोई मतलब नहीं लगाने का वॉलपेपर। ये वाला वॉलपेपर लगा सकते हैं, ये वाला वॉलपेपर पड़ा है, ला इधर लेके आ, इधर लेके आ, इधर लेके आ, जल्दी से लिया। या फिर ये वाला जो है अपन ने फोर्थ में तो लगा दिया ना, ठीक है अब जरूरत नहीं अपन इसमें लगाते हैं। बट यार इस थीम के साथ जाएगा नहीं, ये ब्लैक सा है ना थोड़ा, नहीं मजा नहीं आएगा। इसको छोड़ो, इसको बाहर लेके चलो, ये नहीं लगा रहे अपन। ये अपने पास थोड़ी सी दीवार पड़ी हुई, दीवार लगा दूं मैं। अच्छा नहीं फॉल सीलिंग, ये लग गई फॉल सीलिंग, दो और बची है। चलो ये आइटम उठाओ यहाँ से, ये एरिया भी साफ करना, पूरा एरिया साफ करके मानूंगा। ये भी उठाओ, ठीक है बस। किसी ने तो काम करना बंद कर दिया, देखते हैं भाई एक सेकंड ये क्या कर रही है। ओके यहाँ पे भीड़ है ना, हाँ बस एक काम करती रहे। ओ कैप्स जमाना चालू कर दी भाई इन लोगों ने यहाँ पे, इनको शायद बताना पड़ता है कि यहाँ पे जमा सकते हो तुम कैप है। मैंने एक कैप जमा के दिखाई तो सालों ने भी जमाना चालू कर दी। और यही क्यों जमा रहे हो सब, ये नहीं है क्या, इतनी बड़ी रैक मंगा रखी है मैंने, सब चीजें इसी में भर दी इन लोगों ने। देखना देखना अभी भी वहीं जाके जमा रहा, पागल वागल है क्या थोड़ा सा। बाकी बस से बहुत सारे जने आ गए, काम वाम रुका पड़ा नहीं। अरे नहीं फ्यूल वाले ने काम करना बंद कर दिया, फ्यूल वाले को देखो, फ्यूल वाले को देखो। स्टाफ में चल, स्टाफ में चल, इसको पे कर। और किसका पेमेंट बच रहा है, वेयर हाउस में तगड़ी तरीके से लगे हुए भाई, तीन तीन लोग लगा रखे। अब कुछ अपग्रेडेशन करने का मन कर रहा है, क्योंकि यार इस कमरे के लिए ना मैं एक साथ चीजें मंगा नहीं सकता हूं, या फिर सिर्फ फ्लोर वगैरह के लिए मंगवा लूं, बताओ क्या कहते हो। ये देखो ये सारी चीजें वेयर हाउस में चली जाए तो बढ़िया है, एक बेड है, एक ये है। ये वॉलपेपर क्या काम आएगा, कहीं लगाना है क्या? जो छोटे छोटे वॉलपेपर बचे ना उनको इधर रखता हूं, एक चीज एक जगह पर रखता हूं। लाओ ये क्या है, व्हाट इज दिस, खाली डब्बा है, बेचो इसको। रूम भी नहीं दे पा रहा हूं इन लोगों को, रूम रेडी है भाई, तुम एक काम करो, जो ये एक रूम है ना सिंगल वाला, ये नॉट रेडी, इसमें क्यों नॉट रेडी, क्या दिक्कत है? टॉयलेट पेपर, टॉवल, ठीक है दो चीजें करके मैं एक दे देता हूं ये वाला रूम, जिस इस रूम का माता फोड़ी खत्म होगी। टॉयलेटरी भी रख देता हूं, थोड़ा बहुत पैसा तो मिलेगा, खाली रहने की जगह। टॉयलेटरी रख दी, अब टॉवल पे टॉयलेट पेपर रख देता हूं मैं, और टॉवल रख दे। चल भाई ये कमरा हो गया तुम्हारा रेडी, रूम नंबर है ये 4, इसको लो, इसको बनाऊंगा बाद में लग्जरियस बनाऊंगा, अभी के लिए मेरे पास पैसा जो है खत्म हुआ पड़ा है। हेलो दीदी क्या चाहिए, वन बेडरूम नहीं है, 24 आवर्स के लिए नहीं है, जो ज्यादा टाइम के लिए वो ले ले। हां सर आपको कितनी देर के लिए, 96 आवर, टेक दिस रूम, टेक दिस रूम। चलो और बताओ तुमको इतने सारे लोगों को क्या दिक्कत है, क्यों कूड़ा फैला रहे हो कौन? 2000 रुपए तो हो ही गए यार, ऑर्डर तो कर दूंगा आज के दिन मुझे लगता है। देखो 200 रुपए यहाँ से मिल गए, 20 रुपए मिले। अगर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी फ्री करूँ गाड़ियों को, कोई फ्री छोड़ यहाँ पे भर ही नहीं रहे। ये क्या बकवास है, ये क्या बकवास है? अरे रेस्टिंग नहीं, गैस स्टेशन पे टिकट हो गई, दो जनों को भेजूंगे गैस स्टेशन पे। दो जने लग जाओ गैस स्टेशन पे, रीस्टॉक वगैरह करते रहना तुम लोग, गैस स्टेशन पे लगो दोनों जने। जल्दी 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 काम करो, जल्दी काम करो। हाँ यहाँ बताओ यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, पेमेंट कितना आया तेरे पास? 400। ये खूब कमा रही है भाई, सबसे बढ़िया काम तो यही कर रही है। एक बार स्कैन करती है, दो बार स्कैन करती है और सारा आइटम गायब। सही है यहाँ पे जमा रखा है सामान, सब जगह जम गया सामान तो बढ़िया जम रहा है। और देखो देखो ये देखो ऑटोमेटिक शायद इसने खिसका दिया यहाँ पे, नहीं ऑटोमेटिक जनरेटर पे खिसका दिया शायद, क्या पता भाई क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इसको अपग्रेड करा 2500 रुपए लगा के, वरना आज के दिन रूम बन जाता मेरा बढ़िया सा 4-5 हजार रुपए में। देखो भाई सब जगह मैंने सारा सेटलमेंट बैठा दिया है। ओके चेकआउट के लिए आ गया, चेकआउट ये है 5 रूम नंबर चेकआउट हुआ है। ठीक है भाई कोई तो रूम आया जिसको अपन सही करके बेच सकते हैं। इनका सारा सामान डालते हैं यहाँ पे धोने, इसको करो ऑन, अरे ऑन करो ठीक है। और मेरे पास इसके लिए बेडशीट्स पड़ी है, रुक जा देख, बेडशीट पड़ी है मेरे को पता था, बेडशीट एक और पड़ी है, उसके बाद ब्लैंकेट भी पड़े हुए हैं। चल बिछाना चालू कर फटाफट फटाफट, और ये सब डाल कूड़े के अंदर, ये अंदर क्या कोई कूड़ा था भाई, साफ सफाई
सफाई मस्त एकदम जोरदार कर दूंगा, चमका दूंगा, चमका कमरा कर दिया भाई साफ। अब मुझे दे दो एक टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर भी खत्म हो गया, टॉयलेट पेपर भी मंगाना है, टॉयलेटरी चाहिए अब, और ये सारी टॉयलेटरी मैंने जमा दी, एक माउथ वॉश बच रहा है शायद, अच्छा माउथ वॉश दो रख दिया, कोई बात नहीं बाद में काम आ जाएगा। एक टॉवल रखना है, टॉवल और दे दो मेरे को, टॉवल रहा ये रहा, इसको लगाना है इसके ऊपर, डन भाई। रूम नंबर 5 वापस डन कर दिया, हैंड टू हैंड। दो रूम लेने वाले आए, ओके दो जने आ रखे हैं, दो रूम लेने वाले भाई तुम लोग है ना, सीधे सीधे कल्टी मारो, मैं बेड ले आता हूँ, तुम लोगों के बगल में सोऊंगा, फटाफट फटाफट यहाँ पे खड़े हो, ऑफिस पे एक जना भी खड़ा नहीं, खड़ा है ना, चेकआउट करने आया, ठीक है लास्ट चेकआउट। तूने रूम नंबर 2 चेकआउट करा है, देखिए जरा रूम नंबर 2 भी डबल बेडरूम था, ओके ये बेडशीट साफ है, गेट होल साफ सुथरा करने दे, अल्लाह कूड़ा कहाँ कहाँ है, एक गेरा एक गेरा एक गेरा एक गेरा और एक गेरा, यहाँ पे मैं टॉयलेटरी रख दूं सारी, ये ले 1 2 3 4 और अरे शेविंग क्रीम्स वगैरह सब खत्म हो गया है, मंगानी पड़ेगी, दिक्कत होगी, लाओ ये और दो मेरे को, ये बाहर फेंको, अरे यहाँ पे रख दे, यहाँ पे एक टॉवल रख देता हूँ, काम में एक ही लेते हैं टॉवल, दो रखवाते जरूर है, एक ब्लैंकेट लगा और एक बेड शीट, ब्लैंकेट एक और चाहिए, अबे नहीं काम नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा, जल्दी चल जल्दी चल, हेलो दीदी दीदी क्या चाहिए आपको, नहीं है वन बेडरूम है ही नहीं मेरे पास, भाग जाओ यहाँ से, डबल बेडरूम वाले दो दो जने आ रखे हैं, दोनों को कमरा दूंगा आज, चलो भाई ब्लैंकेट आ गए, और तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो, अब ये दोनों यहाँ भाई, इनको मारू साड़ो को मारू जोर से मारू, स्टाफ में जाओ अनस्टक करो, अनस्टक करो दोनों, गैस स्टेशन पे दो दो क्यों लग रहे हो, वेयर हाउस में जाओ अनस्टक हो, हाँ दीदी आपको क्या चाहिए, 2 बेडरूम, अरे आपके लिए तो रेडी कर रहा हूँ, टेंशन मत लो अभी आ रहा हूँ, 2 सेकंड रेडी कर रहा हूँ, ये वाला दूसरा रूम नंबर दूंगा तुम्हें मैं, एक ब्लैंकेट चाहिए बस मेरे को, हाँ। चलो रूम नंबर 2 रेडी हो गया है, ले लो आप है ना, रूम नंबर कोई सा भी ले लो इन दोनों में से, टेक दिस रूम मोर देन 1 की, अरे होल्ड ऑन, हेलो दीदी टेक दिस रूम, रूम इज नॉट रेडी क्यों भाई, रूम नंबर 2 में क्या दिक्कत आ रही है, टॉयलेट पेपर, अरे शिट कर दी मैंने, हर बार रखता हूँ टॉयलेट पेपर, आज रखना भूल गया तो माता खाएंगे, दीदी ले लो ये रूम ले लो, टेक दिस रूम, चलो भाई आन दो अगला आन दो, बेड कहाँ गया मेरा, बेड बाहर क्यों रख देता पागल है क्या तू, थोड़ा सा अभी क्या चाहिए, नहीं है मेरे पास, अगला बता नहीं है, 1 बेडरूम, हाँ 1 बेडरूम नहीं है, ओके ये रही 2 बेडरूम वाली, होल्ड ऑन ये ले भाई, ये रूम नंबर 5 है मेरा, तू इसकी चाबी ले ले, ठीक है टेक दिस रूम, चलो सब चले गए हैं, अभी अगले को आन दो भाई, ऑफिस खाली करूं, ऑफिस पे इतने सारे जने बैठे रहते हैं, नहीं है भाई रूम नहीं है, आओ तुम लोग भी आओ एक एक करके, नहीं है रूम, पागल थोड़ी हूं मैं, आर यू सीरियस बोल रहा है, पागल हूं मैं, पागल दिख रहा हूं शक्ल से भाई, अब रूपए बहुत आ गए, ठीक है अब मैं टाइले मंगा रहा हूं भर भर के, और अपने सारे रूम रेडी करूंगा, देखो मैनेजमेंट में रूम्स में डिलीवरी में चलो, इक्विपमेंट्स में चलो, सबसे पहले बिल्ड पीसेस में चलो, फ्लोर में चलो, ठीक है सारे बिल्ड पीसेस मंगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 रूम है अभी, 1 2 3 4 5 5 पैकेट ये या फिर 6 पैकेट ये, ठीक है उसके बाद मुझे चाहिए वॉल्स के लिए मैं मंगाने वाला हूँ भाई, वो कहाँ है अपनी पुरानी वाली वॉल्स, ये रही। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट ये मंगाने वाला हूँ, फ्लोर हो गया, सीलिंग बताओ, सीलिंग भी मेरे को यही बढ़िया लग रही है, सीलिंग भी ये 10 पैकेट मंगाओ, पेंट में चलो पेंट नहीं चाहिए मेरे को, उसके बाद चाहिए मुझे डेकोरेशन में कुछ, फाउंटेन कहाँ लगाया जाएगा भाई क्या पता, डिस्प्लेज नहीं चाहिए, इक्विपमेंट्स में चलते हैं, अब टॉयलेट पेपर चाहिए मेरे को बहुत सारे, 1 2 3 4 5 पैकेट टॉयलेट पेपर मंगा लेता हूँ ये वाले, और मुझे चाहिए टॉयलेटरी, लाओ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
पेट्रोल वगैरह कम पड़ नहीं रहे वैसे। चलो भाई यही चीजें मंगाता हूँ और फ्यूल कितना बच रहा है, फ्यूल भी ऑर्डर कर दो। फ्यूल ऑर्डर कर दिया, कार्ट में से ये मैंने ऑर्डर कर दिया। और बताओ और क्या दिक्कत है तुमको सर? नहीं है मेरे पास, मत खड़े आया करो मेरे। चलो भाई दिन भी हो गया है, फ्यूल ऑर्डर हो गया है, सब कुछ आइटम ऑर्डर हो गए हैं और ये कचरा पता नहीं कहाँ से आ रहा है मेरे यहाँ पे। ये कचरा भी मैं साफ कर रहा हूँ। यहाँ पे बेडशीट वगैरह पड़ी है इतनी सारी, मेरी गलती हो जाती है, देखो मैं भारी फेंक देता हूँ ना तो कचरा हो जाता है। और ये दोनों यहाँ क्यों खड़े? अरे हराम के पिल्लू, फालतू का पैसा आ रहा है क्या तुम्हारे पास, मतलब मेरे पास? तुम तो पैसा ले रहे हो ना, क्या है अब बताओ? ये तसर आइटम रखा हुआ है दिख नहीं रहा, जाके जमा हो ना, सब जमा दिया तुम लोगों ने। दिखाना जरा शॉप, दिखाना मेरे को, खाली नहीं है शॉप? शॉप खाली नहीं है, वाले पिटेंगे मेरे हाथों से पिटेंगे। क्या है भाई, क्या दिक्कत आ रही है? ये चश्मा नहीं जमा सकते? जमाओ ना यार, खड़े क्यों हो, पागल वागल हो क्या थोड़े? देख अब लेके जा रहा हूँ, क्या पता भाई अपने अपने हिसाब से काम कर देंगे। मैं इसको और देख लूं जरा। टू बेडरूम चाहिए? वेट अ मिनट, वेट अ मिनट ब्रो, टू बेडरूम वाला कोई खाली होने वाला है क्या यार? डबल बेडरूम वाले को भगाना पड़ेगा, ये दिन आ गया मेरे पास। लो अब तो कोई भी खाली नहीं हो सकता इतनी जल्दी भाई, नहीं है, सॉरी ब्रो, सॉरी वेरी वेरी। अभी तो भाई उस डिलीवरी का इंतजार है। मैं क्या करता हूँ, मैं सो जाता हूँ सारे स्टाफ को रेस्टिंग फेस पे डाल के, क्योंकि कहीं भी कोई आ रहा नहीं है, फालतू का पैसा ले रहे हैं ये। तुम जाओ रेस्टिंग, ठीक है? तुम घटिया लोग, तू भी रेस्टिंग पे, बहुत बढ़िया। कैशियर को पे कर देता हूँ, एक गैस स्टेशन वाले को पे कर देता हूँ और एक जना लगा देता हूँ वेयर हाउस में, इसको कर देता हूँ पे, ठीक है? पे तो सबको ही कर दूं, एक काम कर लो। पेमेंट हो गया, सिर्फ 600 रुपए बचे मेरे पास। और ये देखना मुंह उठा के आ गए, सारे मुंह उठा के आ गए। यू आर बीइंग रोब्ड, पकड़ पकड़ यहाँ पकड़, इधर से आता है वो आदमी, इधर से आता, कहाँ है, कहाँ है बे, है का ओ तेरी, साले दिखता क्यों नहीं है तू, दिखता क्यों नहीं, दिखता
सारा सामान उठा लिया आराम को, इतना मेरे हाथों में नहीं आता जितना एक बार में ये ले जाता। सारा पटको अंदर, इसको उठाओ ड्रम के अंदर, ठीक है। गुस्सा आ रही है अलग इनके ऊपर, गुस्सा कर दूंगा, सारा गुस्सा इन पे निकाल दूंगा। चलो भाई सारा सामान मैंने उठा लिया है और इसको बेच दूंगा, अभी बिक नहीं रहा है। जल्दी जल्दी डिस्पोज हो भाई, डिस्पोज हो जा जल्दी, कोई देख तो नहीं रहा मेरे को। तू देखियो मत रे, तू काम करता रहा चुपचाप, ठीक है। बकवास चीजें देखते नहीं है, फालतू चीजें होती है सारी। चलो भाई डिस्पोज हो गया तो डिस्पोज जल्दी खत्म हो जाए। इस बार तेरे को कूड़े में फेंक जाऊंगा, चल तू डिस्पोज होता रहा, जो कूड़े में डालू इधर कैसी रहेगी। नहीं यार इसमें तो बहुत टाइम है, अभी ये 90 सेकंड चल रहा है इसका टाइम। ओए मेरी डिलीवरी आ गई। ओए अरे यार सबका 90 टाइम चल रहा। ओए नहीं, ओए लोग देख लेंगे, ओए लोग देख लेंगे। तू एक काम कर, तू बिक जा, बिक जल्दी बिक जा। अरे चलो भाई बेच दिया मैंने। और गाइस मेरी डिलीवरी आ चुकी है, अभी मेरे को बस सामान जमाने का। अरे जल्दी लगा भाई गाड़ी, जल्दी लगा, टाइम लगाएगा भाई, उतारेंगे सामान, वेयर हाउस वाले उतार भी लेंगे सामान खुद ही। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। आज मेरे को यार एक रूम बनाना था वो छठे नंबर वाला, बट यार बन नहीं पाया, इतना सारा खर्चा कर दिया आज के दिन मैंने, बट अपग्रेडेशन भी तगड़ी तगड़ी हो गई है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब के लिए बाय।